न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी में 8 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। चौथे चरण में 8 सीटों पर मतदान हुआ। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम में वोट डाले गए। धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में भी वोटिंग हुई है। सभी सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान पूरा हो चुका है। 74 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद की गई। अब 4 जून को होगा किस्मत का फैसला। तो जनता ने क्या तय किया है अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, यह सामने आएगा 4 जून को। जनता का फैसला क्या रहा, तमाम दलों के अपने अपने वादे, अपने अपने दावे, लेकिन जनता का फैसला 4 जून को तस्वीर साफ हो पाएगी। आज मध्य प्रदेश में इस चौथे और आखिरी चरण के साथ लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। देश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में 4 चरण में और छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। आज चौथा और आखिरी चरण, 8 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया हुई। सभी सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई। 74 प्रत्याशी, अगर कुल प्रत्याशियों की संख्या की बात की जाए, 74 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता ने आज ईवीएम का बटन दबाकर तय कर लिया। फैसला क्या था, क्या रहा, वो 4 जून को साफ हो पाएगा। और 8 सीटों पर 80 रिपोर्टर्स हमारे तैनात रहे, जो आप तक हर पल की तस्वीर और अपडेट्स पहुंचाते रहे। फिलहाल 2 सीटों से 2 हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं शैलेंद्र चौहान और धार से शैलेंद्र भदौरिया को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले बात इंदौर की कर लीजिए शैलेंद्र चौहान, क्योंकि इंदौर में कांग्रेस का प्रत्याशी जब तक था तो मामला भले ही उतना इंटरेस्टिंग ना रहा हो, लेकिन नोटा की एंट्री के बाद मामला काफी दिलचस्प हो गया था। जी देखिए, बिल्कुल, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में हमेशा यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला होता है। यहाँ किसी तीसरे दल को जनता नहीं पसंद करती है, तो यहाँ इस बार और अलग हो गया कि कांग्रेस प्रत्याशी जो अक्षय बम, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इस वजह से सिर्फ बीजेपी ही मैदान में थी, तो यहाँ ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि वोट प्रतिशत गिरे, क्योंकि बीजेपी के वोटर निकलेंगे लेकिन कांग्रेस के वोटर्स निकलते हैं या नहीं निकलते, क्योंकि उनका प्रत्याशी नहीं था। लेकिन आज की जो स्थिति है, 62% शाम 6 बजे तक मतदान यहाँ बताया जा रहा है, तो ये समझा जा सकता है कि वोटर्स में इंदौर के जो उत्साह देखा गया है, अच्छी संख्या में लोग निकले हैं। उम्मीद की जा रही है कि कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये प्रतिशत और हो सकता है, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले भले ही ये 7-8% मतदान प्रतिशत गिरा है, फिर भी एक प्रत्याशी होने के कारण, केवल बीजेपी का ही बड़ा चेहरा होने के कारण, बाकी कुछ दूसरी अदर्स पार्टियां थी, कोई ऐसा चेहरा नहीं था, तो उस हिसाब से इंदौर का वोट प्रतिशत अच्छा रहा है। 62% यहां पर हो चुका है और ये माना जा रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। और यहां पर नोटा की जो बात की जा रही है, कांग्रेस ने अपील की थी नोटा को लेकर, काफी प्रचार किया। पहली बार ये स्थिति बनी कि कांग्रेस के सभी नेता खुलकर कह रहे थे कि नोटा का बटन दबाइए, इंदौर की जनता ये बताए कि प्रत्याशी को किस तरह नाम वापस लेना, दबाव बनाना कि अगर स्थिति बनती है तो जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। वहीं बीजेपी के नेताओं ने बार बार ये दोहराया कि इंदौर जिस तरह क्लीन सिटी नंबर 1 है, वैसे इंदौर के लोग हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं, सकारात्मक है, तो इंदौर के लोग नोटा पर नहीं जाएंगे, नकारात्मक राजनीति पर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि वो सकारात्मक राजनीति पर ही भरोसा करेंगे और अपने वोट का उपयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये असर भी देखने को मिला। सुबह की बात की जाए तो 7 बजे काफी लंबी कतारें देखी गई थी। दिन में कुछ देर इसी स्थिति बनी कि धूप थी तो थोड़ा वोट प्रतिशत गिरा, लेकिन शाम को फिर एक बार अच्छी स्थिति में वोटर्स निकले और कहीं ना कहीं इंदौर का वोट प्रतिशत अच्छा माना जा सकता है और निश्चित ये एक अच्छा संकेत है और लोकतंत्र के लिए कि लोगों ने अपने मतदान का उपयोग किया, लोगों ने अपने वोट के अधिकार का उपयोग किया और घरों से निकले और वोट डाला। जी ठीक है, धार चलते हैं। शैलेंद्र भदौरिया, धार को लेकर, क्योंकि आप वहां पर सुबह से डटे हुए थे, पल पल की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, धार में मुकाबले में क्या नजर आया आपको, जनता से आपकी बात हुई होगी और कितना उत्साह था मतदाताओं के बीच?
देखिए मतदाता जो मतदाता का उत्साह का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो आंकड़े आए थे वो लगभग बता रहे थे कि 70% के आसपास धार के लोगों ने मतदान किया। हालांकि फाइनल आंकड़े आना अभी बाकी है, लेकिन 2019 की मैं बात करूं तो यहां पर 75% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और सुबह से ही तमाम जो पोलिंग सेंटर्स पर थे उन पर लंबी लंबी भीड़ देखने को मिली थी। न केवल पुरुष बल्कि महिला मतदाता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, युवा मतदाता भी थे। जब जिस मतदाता से बात हुई सबका यही कहना था कि आदिवासी बाहुल इलाका है, 80% के आसपास जो वोटर्स है वो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और जितना परिवर्तन उनके जीवन शैली में होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। रोजगार के कोई उनके पास वहाँ पर साधन नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर उनको परेशानी उठानी पड़ती है, एजुकेशन को लेकर भी तमाम युवाओं ने भी सवाल उठाए। तो धार में जो मतदान हुआ है वो स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मेडिकल की सुविधाएं, इस सब को लेकर हुआ है। अगर मैं बात करूं तो सीधे सीधे तौर पर यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। सावित्री ठाकुर जो 2014 में भी सांसद रही थी उनको पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया, हालांकि जो मौजूदा सांसद है छत्तर सिंह दरबार उनका पार्टी ने टिकट काट दिया था। और इसका अगर मैं कांग्रेस की तरफ से बात करूं तो राधेश्याम मोवेल जो है वो यहां से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे। कांग्रेस इस सीट को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकसभा धार में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसमें से 5 पर जो है वो कांग्रेस काबिज और 3 सीटों पर वहां पर बीजेपी। तो कह सकते हैं कि धार में मुद्दे हावी रहे, चेहरे नहीं। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आप चौहान, आपका भी, शैलेंद्र भदौरिया आपका भी। बढ़ते हैं आगे। चौथे अंतिम चरण के मतदान के दौरान दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव, डेप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी और दूसरे दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप देख रहे हैं, खंडवा में कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने वोट दिया। जगदीश देवड़ा डेप्यूटी सीएम को भी आपने देखा। इसके अलावा जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वोट डालने पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी मंदसौर में सुधीर गुप्ता ने भी वोट डाला। बालकृष्ण पाटीदार, सावित्री ठाकुर, इन तमाम लोगों को आपने देखा। सिंगापुर से आई रंजना, जी हाँ, ये अलग अलग तस्वीर देखिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाती तस्वीरें। आदिवासियों में उत्साह, पहले वोट फिर शादी, ये धार में तस्वीर देखने को मिली। मंदसौर में देखिए और किस तरह से यहां पर हुआ है, तो किसी ने विदेश जाने का प्लान कैंसिल किया। खंडवा में दूल्हा दुल्हन ने वोट डाला है। यहां शाहजहांपुर में दूल्हे ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। झाबुआ में दुल्हन ने फर्ज निभाया, तो सिंगापुर से रंजना आई जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये देखिए लोकतंत्र को यही तस्वीरें सशक्त बनाती हैं। लोकतंत्र का महापर्व भोपाल से लेकर देवास तक की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। भोपाल में आदिवासियों में उत्साह, यहां पूरी तैयारी के साथ वोट डालने पहुंचे। धार में दूल्हे ने वोट दिया, कद छोटा हौसला बड़ा, ये तस्वीर मंदसौर की आप देख रहे हैं जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचा। वहीं एमपी में अंतिम चरण की वोटिंग के दौरान कई जगहों पर बारिश और तेज आंधी के चलते वोटिंग की प्रक्रिया प्रभावित हुई। तस्वीरें धार, झाबुआ और शाहजहांपुर की हैं। धार में वोटिंग के बीच मौसम बदला और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जमकर ओले भी गिरे। तो वहीं झाबुआ में अचानक मौसम में आए बदलाव की वजह से कई पोलिंग बूथों पर मतदान प्रभावित हुआ। तेज आंधी के बीच हुई झमाझम बारिश की वजह से मतदान केंद्रों पर लगे टेंट गिर गए। पेटलावद के कनशाला मतदान केंद्र पर वोटिंग के लिए लगाया गया टेंट गिर गया, तो वहीं थांदला के करंजपारा मतदान केंद्र पर भी टेंट हवा में उड़ गया। शाहजहांपुर में भी तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई, कई जगहों पर बारिश के साथ ओले गिरे जिससे कई मतदान केंद्रों पर पंडाल धराशाही हो गए। इंदौर में भी मतदान के आखिरी दौर में जोरदार बारिश हुई। अचानक मौसम का मिजाज बदला है, तेज बारिश के साथ ओले गिर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मतदान केंद्र के बाहर का नजारा है। ये यहाँ पर पूरा केंद्र जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पंडाल लगाया गया था वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। इसके अलावा पंडाल आप देख सकते हैं क्षतिग्रस्त हो गया है। बारिश के साथ साथ यहाँ पर ओले भी गिर रहे हैं, आप देख सकते हैं नीचे तस्वीरों में। बारिश के चलते मतदान पूरी तरीके से प्रभावित हो गया और जिसके चलते कई मतदान केंद्रों के बाहर किसी तरीके के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। विशेष सजावट के साथ ये मतदान केंद्र बनाया जाता है, लेकिन इसकी हालत इस तरीके की हो गई है, ये पंडाल कभी भी गिर सकता है। और कई मतदान केंद्रों के बाहर इसके चलते मतदान प्रभावित हुआ है। सुनील अंसूरिया, न्यूज 18 मध्य प्रदेश।
वहीं बुरहानपुर में खंडवा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के वोट डालने के दौरान विवाद की तस्वीरें सामने आई। यहां पर सुरक्षाकर्मी और सांसद प्रतिनिधि आदित्य प्रजापति के बीच वोट डालने को लेकर विवाद और धक्का मुक्की हो गई। जब सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल बूथ के अंदर वोट डालने गए तो उनके पीछे उनके समर्थक भी अंदर जाने लगे। इस पर सुरक्षाकर्मी ने उन्हें रोक दिया, जिस पर जमकर विवाद हुआ। हालांकि सांसद समर्थकों ने जब अपनी वोटिंग स्लिप दिखाई तब जाकर मामला शांत हुआ। खंडवा में भी आज वोटिंग हुई। मतदान के दौरान हर वर्ग के लोगों में उत्साह देखने को मिला। युवाओं, बुजुर्गों से लेकर महिलाएं भी वोट करने के लिए पहुंची और मतदान केंद्र पर बने सेल्फी स्टैंड पर सभी ने अपने फोटोज भी क्लिक किए। देख सकते हैं कि मतदान करने के बाद किस तरह से जो है यहाँ पर फोटो भी ली जा रही है ताकि यादों को सहेजा जाए। बात भी करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, कितना बड़ा दिन है आज? आज ना काफ़ी बड़ा दिन है और हम लोगों ने स्वीप प्लान के तहत भी काफ़ी काम किया, मतदाताओं को इतना जागरूक किया है और उसका असर आज आप देख रहे हैं। काफ़ी संख्या में मतदाता बाहर आए हुए हैं। उस शपथ को हमें निभाना है जो हम लोगों ने लोकतंत्र की शपथ पिछले दिनों ली थी। बिल्कुल, उस शपथ को निभाना है। मतदान कर दिया आपने? देखिए, ये मतदान कर दिया है और ये जो निशान है ये आज हर उंगली पर होना चाहिए जो भी मतदान करने की उम्र में है। क्या कुछ कहेंगे, मतदान कितना महत्वपूर्ण? मतदान अपने हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति को करना चाहिए। सर जी, बहुत उत्साह है और जो है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है जी। 15 दिन से तबीयत खराब है तब भी आ रहे हैं। अच्छा, हाँ उत्साह रहा। कुछ नहीं, सबसे पहले सारे काम छोड़ दो, वोट दो। वोट देना बहुत जरूरी है हमारे सबके लिए, इसलिए मैं बोलूँगी कि सबसे पहले वोट दीजिए। युवा क्या सोचते हैं? युवा बस युवा ये चाहते हैं कि विकास हो, काम वगैरह हो। बुरहानपुर के सुक्ता खुर्द गांव में वोटिंग के दौरान अनोखा वाक्य देखने को मिला, जहां आदिवासी और बंजारा समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में बैलगाड़ी पर सज धज कर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो ये देखिए, ये गणेश जी की वेशभूषा में यहां पर पहुंचा है मतदाता। गणपति बप्पा ने किया मतदान। बुरहानपुर की तस्वीर, अलग अलग इंटरेस्टिंग तस्वीरें देखने को मिली हैं आज वोटिंग के दौरान की बुरहानपुर में। आप देख सकते हैं गणपति बप्पा के हाथों में यहाँ एक बैनर भी है। चलेंगे विदिशा, जहां टोरी मोहल्ले में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक महिला का शव बीच सड़क पर पड़ा मिला। जानकारी के मुताबिक महिला का शव उसके घर से 20-25 फुट की दूरी पर मिला है। पड़ोस में रहने वाले लोगों का कहना है कि महिला किसी युवक के साथ घर में रहती थी, दोनों के बीच अक्सर मारपीट हुआ करती थी। घटना के बाद से युवक फरार है। पुलिस ने महिला के घर का ताला तोड़ा तो घर के अंदर भी खून के निशान पाए गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और संदिग्ध युवक की तलाश शुरू कर दी गई है। यह ममता बागरी करके महिला है जो रूप सिंह ठाकर नाम के व्यक्ति के साथ रह रही थी और उसे कल इस अपने रूप सिंह धाकड़ के साथ आसपास के लोगों ने रात में देखा भी है। वहाँ ये भी प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि ये दोनों आपस में शराब पीकर अक्सर लड़ाई करते रहते थे, एक दूसरे की मारपीट करते रहते थे। प्रथम दृष्टया उसके शरीर पर सर पर चोटें हैं और खून बह रहा है, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि उसकी हत्या की गई है। मामला पंजीबद्ध कर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। संदेही की भी तलाश की जा रही है, मिलने पर उससे पूछताछ की जाएगी। खबर बालाघाट से है, जहां के किरनापुर थाना के रमगढ़ी में दहेज की मांग को लेकर दूल्हा बारात लेकर नहीं आया, जिससे यहां पर शादी की तैयारियां धरी की धरी रह गई। दुल्हन के परिवार ने बताया कि दूल्हा पक्ष से सोना चांदी, मोटरसाइकिल और बारात के आने जाने का किराया देने की मांग की गई। सूर्यवंशी परिवार की बेटी का विवाह होना था लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा तो खुशियों का ये मौका सन्नाटे में बदल गया। इस मामले की लड़की पक्ष ने किरनापुर थाने में शिकायत दी है। कि 9 तारीख को उन्होंने फोन लगाए और बोले हमको दायक में गोप होना, गले का हार होना, गाड़ी होना। किन्ने बोला? दूल्हे वाले ने। बारात कहाँ से आ रही थी? नागपुर से।
अच्छा लड़का, किस तारीख को आ रही थी? 10 तारीख को। 10 तारीख को आ रही थी। 10 तारीख को बारात आ रही थी। नरेंद्र सूरी उनकी बेटी की शादी थी और नागपुर से बारात आना था, तो नागपुर से बारात नहीं आई। अब इनसे पूछा गया कि बारात क्यों नहीं आई, तो इनने बताया कि बोले वहाँ से फ़ोन आया था लड़के का, उनने बताया कि हमको सोना चांदी कुछ पैसे की मांग की गई है, ये पैसे अगर आप दोगे, मोटर वाहन का खर्चा दोगे, तो हम आप बारात लेके आएंगे। ग्वालियर में एक शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला का पति से अक्सर झगड़ा होता था, जिसके चलते वो अपने पति से अलग रह रही थी। उसकी मुलाकात एक युवक से हुई, जिसने मदद का झांसा देकर दोस्ती की, फिर उसके साथ संबंध बनाए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। फरियादी द्वारा बताया गया कि उसका अपने पति से तलाक की प्रोसेस चल रही थी। इस दौरान उसकी किसी कोई लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड बना, उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया और गर्भवती होने पर उसके साथ शादी करने से मुकर गया, जिस पर माधवगंज थाने में 376 की FIR पंजीबद्ध की गई है और अभी आरोपी फरार है। टीकमगढ़ में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है और गिरोह के 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। आरोपियों के पास से 100 और 200 रुपए के 22,000 रुपए के नकली नोट मिले हैं। इसके अलावा नोट छापने वाला प्रिंटर भी मिला है। आरोपियों के मुताबिक कियोस्क बैंक सेंटर चलाने वाले राजेश कुशवाहा ने नकली नोट छापे थे, जबकि देवेंद्र कुशवाहा और उपेंद्र अहिरवार ने एक किराना दुकानदार से 1100 रुपए के नकली नोट देकर सामान खरीदा था। दुकानदार ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। और ये जो घटना करते थे वो इस प्रकार से करते थे कि आज से एक वर्ष पूर्व जो राकेश कुशवाहा है, जरौन का रहने वाला है, उसने 200 रुपए के और 100 रुपए के नकली नोट कुछ छाप के अपने पास रखे थे। प्रिंटर से वो उनकी जेरोक्स करता था और एज इट इज़ नोट दिखते थे, पहचानने में अलग से नहीं समझ में आते थे। अभी जैसे सामने आने पर पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की। ग्वालियर में व्यापारी से शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। शताब्दीपुरम निवासी व्यापारी जितेंद्र तिवारी के व्हाट्सएप पर एक लिंक आया। जितेंद्र ने लिंक डाउनलोड कर उस ऐप के जरिए कुछ शेयर खरीदे और बेचे, जिसका उनको प्रॉफिट समेत पूरा पैसा मिल गया। बाद में उन्हें IPO में पैसा लगाने की सलाह दी गई। जितेंद्र ने 27,71,800 रुपए का IPO खरीदा और उन्हें 3,34,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। जितेंद्र ने सभी शेयर बेचने के बाद पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन पैसे उनके अकाउंट पे ट्रांसफर नहीं हुए। ठगी का शिकार होने पर व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। अब बात अचानक बदले मौसम की कर लेते हैं। सिवनी में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। आंधी तूफान से कई पेड़ गिर गए। सड़क पर पेड़ गिरने से ट्रैफिक भी बाधित हुआ है। कई जगहों पर बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। तस्वीरें आप सिवनी की देख रहे हैं। तेज रफ्तार से पहले हवाएं चली, उसके बाद यहां बारिश हुई और तेज हवाओं के चलते यहाँ पर कई पेड़ गिर गए। सड़क पर पेड़ गिरने से ट्रैफिक देखिए किस तरह से बाधित हुआ है, क्योंकि रास्ता पूरा बंद हो गया, बीचों बीच पेड़ गिर गया। कई जगहों पर बारिश भी हुई और ओले भी गिरे। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।